चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का आज के सेशन के लिए आप सारे बहुत एक्साइटेड हो मुझे ऑलरेडी पता है राइट right? क्योंकि ये सेशन का हम बहुत ईगरली बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं राइट right? आज सचिन जी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम बहुत तुरंत शुरुआत करेंगे इस सेशन की ये सेशन हमने पुणे में ऑलरेडी पिछले एक पंद्रह दिन पहले हमने लिया था सेशन एंड uh, ये सेशन बहुत जबरदस्त सेशन रहा फुल जहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किए थे फिफ्टी परसेंट लोग तो हॉल फुल था ऑलरेडी और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला लोगों के जो रिस्पॉन्स थे बहुत बहुत जबरदस्त थे राइट सो so, मैं खुद एक्साइटेड हूँ क्योंकि कुछ uh, चीजें मुझसे छूट गई थी मैं वहां पे रुक के अरेन्जमेंट uh, करने में कुछ uh, रुक के पूरा सुन नहीं पाई थी राइट सो so, मैं आज ये सेशन पूरा मैं भी सुनूंगी और आप भी सुनना मेरे साथ और फिर अभी भी आपने अगर आपकी टीम को इनवाइट नहीं किया है या किसी को आपको कॉल करना है जगाना है तो विन्दा जगाइएगा क्योंकि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं राइट तो तुरंत किसी आप डायरी पेन ले लीजिएगा और टीम को कॉल करना है इनवाइट करना है तो आप इनवाइट कर लीजिएगा राइट एंड मैं इसी आपके आज आज ज्यादा समय ना लेते इसी आपके जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करना चाहूंगी सचिन जी काटे जी को एक सेकेंड यस सचिन सर गुड मॉर्निंग यस मैडम गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑल लीडर्स आई होप सो मैडम मेरी वॉइस जो है वो क्लियर है यस यस ओके मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है मैम यस आप नहीं दिखाई दे रहे हो अच्छा मैम वो आपको बताया ना कि मैं बिलासपुर में और यहाँ पे वो वाईफाई का थोड़ा नेटवर्क वीक है होटल वालों का और मोबाइल में भी फोर जी इतना नहीं आ रहा है तो आवाज नहीं कटनी चाहिए उसके लिए मैंने थोड़ा वीडियो अपना ऑफ रखा है ओके सर यस कल देखते हैं कि अगर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा तो आ, या तो मैं कहीं और जाके आ, ट्रेनिंग करने की कोशिश कर लूंगा फिलहाल मैम शुरू करूँ हेलो यस सर शुरू करिए थैंक यू सो मच ओके मैम यस वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेस्टिजियंस मेरा नाम सचिन चिकाटे है और मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ वेस्टीज में सो so, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ uh, जिसको कहते हैं आपके सामने नाम लिखा है प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स इसको हाउ टू सेल लाइक अ प्रो भी कहते हैं वेस्टिज uh, आप सभी को बताया है कि वेस्टिज का मेन जो फोकस है हमारी कंपनी ये कहती है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने नीचे अपने जैसे लोग चाहिए यानी कि आपको अपने टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं इसलिए आज हमारे वेस्टीज में आ, एकदम सक्सेसफुल एंड जिन्होंने बहुत सारे सपने पूरे किए वैसे लीडर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जो कि बाकी कंपनीज में इनफैक्ट मैंने तो नहीं देखे आ, कि इतने लीडर्स जो है वो सफल हुए हैं मैंने कंपनीज को सफल होते हुए देखा है बट लीडर्स को सफल होते हुए नहीं देखा है अगर मैं अदर कंपनीज की बात करूं लेकिन वेस्टीज में मैंने ये देखा है दोनों चीज कि लीडर्स भी सफल हुए हैं एंड कंपनी तो सफल है ही एंड आज जो कंपनी सफल है वो उन सफल लीडर्स की वजह से है तो ऐसा क्या है कि बाकी कुछ कंपनीज जो सफल हुई है लेकिन उनमें लीडर्स नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आ, कुछ कंपनीज ऐसी है मैं डायरेक्टली नाम ले लेता हूं ताकि लोगों को अंदाजा आ जाए एक हर्बल लाइफ है फ्लेम है एम है, एमवे है अगर ये कंपनीज की अगर मैं कुछ बात करूं तो उनमें मेजर फोकस किया जाता है सेलिंग के ऊपर राइट और इसलिए हो सकता है कि शायद जो you ना know, उनका टर्नओवर इतना नहीं बढ़ा है जितना आज वेस्टीज का बड़ा है तो हमें लेकिन तो फिर आप बोल रहे हो कि सचिन सर फिर आप ये सेलिंग स्किल्स के ऊपर सेशन क्यों ले रहे हो इसलिए ले रहा हूं कहीं ना कहीं हम सभी लोग एक बिजनेस में और बिजनेस का सर, जो मेन इंपॉर्टेंट जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो है सेलिंग लेकिन वेस्टिज के अगर मैं बात करूं तो हम लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं इसलिए आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स देखी होगी जो लीडरशिप के ऊपर जो है आ, हमने ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स करी है हम एल डी पी करते हैं वी एल सी करते हैं जो कि ऑल लीडरशिप ट्रेनिंग्स है बट आज सेलिंग का एक टॉपिक एक प्रेजेंटेशन इसलिए क्योंकि हम एक व्यापारी है और आपको पता है कि बहुत सारे लोग वेस्टीज में जुड़ते हैं एक प्रोडक्ट की वजह से एक प्रोडक्ट आपको एक क्राउंड डायरेक्टर दे सकता है एक प्रोडक्ट आपको एक डबल यूनिवर्सल क्राउंड डायरेक्टर भी दे सकता है रेसिका मैडम की आपने कहानी सुनी होगी तो उन्होंने भी एक प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करी थी एंड आज हमें इतने प्यारे जो है वो कल कोई प्रोडक्ट किसी को शेयर करके या किसी को सेल करके हो सकता है कि जैसे रसिका मैडम हमारे यहाँ पे वेस्टीज में डबल यूनिवर्सल क्राउंड डायरेक्टर बने वैसे और भी हमें आ, लीडर्स एक आपके टीम में मिल सकते हैं। तो फिर आना बहुत जरूरी है तो आज हम जानेंगे से बारे में ये मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि अगर मैं एज अ एक लीडर या एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर मेरे पास मेरा एक कस्टमर बेस है दो चीज होती है सर नेटवर्क मार्केटिंग में एक होता है आपका नेटवर्क दूसरा होता है आपका कस्टमर तो अगर कस्टमर बेस अगर मेरे पास है साइड में जैसे हम साइड वॉल्यूम कैसे मेंटेन करते वैसे साइड में अगर मैंने अपना कस्टमर बेस मेंटेन करके रखा है तो मुझे साइड वॉल्यूम मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है टेंशन नहीं होता है उसका अगर तीस थर्टी घर अगर पूरे पुणे में या पूरे मुंबई में मुझे तीस घर मिल सकते हैं ऐसे जो हर महीने सौ पीवी की अगर खरीदारी करे और एक भी बंदे को ज्वाइन ना करवाए सिर्फ सौ पीवी खरीदे तो फिर भी चल जाएगा मुझे और वही तीन हजार जो पीवी है वो मेरे साइड वॉल्यूम में काम आ जाएंगे क्योंकि वो जो लोग हैं वो अक्यूमुलेशन के माध्यम से सिर्फ इलेवन परसेंट पे आ जाएंगे सौ सौ पीवी करते करते भी वो एक्मलेशन के माध्यम से एक ना एक दिन इलेवन परसेंट पे आ जाएंगे वो कभी ब्रॉन्स क्वालिफाई नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने नीचे टीम बिल्डअप नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं ये सब जितने भी पीवीज है वो सब पूरी मेरे साइड वॉल्यूम में काउंट हो जाएगी और कहीं ना कहीं साइड वॉल्यूम की झंझट हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से छूट जाएगी पूरे पुणे में या पूरे मुंबई में या जहां पर भी जिस शहर में आप रह रहे हो या पूरे इंडिया में आपको सिर्फ तीस घर ऐसे ढूंढने कि जिससे तीन हजार पीवी जो है वो आपको आ जाए और आपका पर्सनल चालीस पीवी है आपका पर्सनल सौ पीवी आपको करना है और सौ पीवी क्यों आप दो सौ पीवी भी कर सकते हो तीन सौ पीवी भी कर सकते हो वो आपकी मर्जी है बट वो तीन हजार आने के लिए या वो जो प, आपको जो तीस घर ढूंढने या चालीस घर या पचास घर मैं तो सिर्फ कह रहा में आप चालीस पचास भी कर सकते हो एंड डोंट वरी कल कल के कल नहीं करना इसको एक साल भी लग जाए तो फिर भी चल जाएगा छह महीने भी लग जाए तो फिर भी चल जाएगा बट मेरे ख्याल से छह महीने में तीस घर ढूंढना इट इज वेरी इजी तो सेलिंग स्किल्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आज आई होप सो कि समझ में आपको आ गया होगा कि मैं ये प्रेजेंटेशन क्यों ले रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट हम एक डी ऊसीडी दे सकता है इसलिए सेलिंग स्किल्स आना बहुत जरूरी है और सेलिंग करने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि अजय देवगन भाई साहब आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं राइट दाने दाने में केसर का स्वाद अब वो खाने से जुबान तो केसरी नहीं होगी दांत जरूर केसरी हो जाएंगे तो वो प्रोडक्ट सेल करने से अच्छा बेटर है कि मैं किसी को स्पार दूं तो उसके शरीर में और उसके जिंदगी में बदलाव भी आ सकता है सो आगे बढ़ते हुए क्या है पहली बात तो आज ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव आज हम जानेंगे कि क्या बिहेवियर क्या एटीट्यूड चाहिए होता है सेलिंग के लिए अंडरस्टैंडिंग द सेल्स सेल्स प्रोसेस और कैसे हम एक बन सकते हैं तो पहले हम जान लेते हैं कि एफिशिएंट सेलिंग अगर एक प्रोफेशनल अगर सेलिंग करना है तो उसके लिए क्या चीज कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है उसके अंदर तो ये जानना बहुत जरूरी है सर ये बहुत लोग भूल जाते हैं क्योंकि अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो लोगों के मन में एक तुरंत आ जाता है कि प्रोडक्ट बेचना है बट वो प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा एक कस्टमर से रिलेशनशिप बढ़ाना ज्यादा होता है यानी कि बिल्डिंग का रिलेशनशिप विद कस्टमर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बताते वक्त या डेमो देते वक्त बहुत से लोग रिलेशन बिल्ड करना या एक रेपो बिल्ड करना भूल जाते हैं सिर्फ उनका ध्यान प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है तो वो नहीं होना चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस किया होगा कि डेमो देते वक्त हमारे माइंड में ये वो होता है कि आई होप सो उसको डेमो पसंद आ रहा है कि नहीं उसके एक्सप्रेशन कैसे उसका रिएक्शन कैसे हम ये चीजों के ऊपर बैक ऑफ द माइंड हम ज्यादा सोचते हैं

एक बार ट्राई करके देख लो तो वो सारी चीजें तो नहीं हो सकती सॉल्यूशन जब तक तो उसको नहीं मिलता है तब तक बंदा प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट नहीं होगा और ये सॉल्यूशंस कैसे देते हैं राइट उसका एक डेमो उसका एक एग्जांपल हम जरूर करेंगे आज या तो कल की ट्रेनिंग में या परसों की ट्रेनिंग में जिसमें सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है लोगों को जिससे लोग जो है प्रभावित होकर आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वो खुद परचेज कर ले एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि टेकिंग इंटरेस्ट इन कस्टमर नीड्स नॉट योर नीड्स हमारी नीड यही होती है कि बस भाई आधार कार्ड दे दे ज्वाइनिंग कर ले एक सौ पीवी की खरीदारी हो जाती है तो हमें हमें बहुत खुशी होता है तो ये हमारी नीड है तो आधार कार्ड हमारी नीड है मुझे समझ में आता है बट आधार कार्ड आपको तभी तो मिलेगा जब आप कस्टमर की नीड के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज इसके आगे भी और है जो मैं बताना चाहूंगा बट ये तीन चीजें समझ लीजिए सर सेलिंग में पहले बात रिलेशन सबसे ज्यादा होता है व्यवहार बना के रखो व्यापार अपने आप हो जाएगा इसलिए व्यवहार पहले सोल्यूशन देना है प्रोडक्ट पुश नहीं करना है और कस्टमर नीड के ऊपर ज्यादा फोकस करना है ना ही आप, आपकी नीड पे अब सेलिंग के ऊपर कुछ अंधविश्वास है लेकिन कुछ हकीकत भी है तो अंधविश्वास लोगों का क्या है सेलिंग को लेकर कि यार प्रोडक्ट सेल करने के लिए वो बचपन से ही जो है मेरे ख्याल से जो हुनर होता है वो होना चाहिए राइट बचपन से ही आ जाता है बाई बर्थ उनके डीएनए में ही होता है प्रोडक्ट बेचने का ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा कोई जीन आज तक बना नहीं है जो आपके सेलिंग स्किल्स इंप्रूव करे जो आपके डीएनए में आ जाए तो सेलिंग स्किल्स सीखी जा सकती है इसलिए हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते हैं यूट्यूब पे भी अपने बहुत सारे ट्रेनिंग्स देखे रहेंगे सेलिंग को लेकर और लोगों को लगता है कि जो अच्छा बेचता है वो अच्छा बोल पाता है एक्चुअली अच्छा नहीं है जो अच्छा सुन पाता है वही अच्छा बेच पाता है जब आप दुकानों में जाते हो ये वो राइट right? तो आप बोलते हो और जो दुकानदार है वो ज्यादा सुनता है कि आपको क्या चाहिए वो समझने की कोशिश करता है और सिंपल अगर एक बात करूं डॉक्टर की जब हम जाते हैं जब हम उसको बताते हैं right? राइट कि कल रात को जो है सर दुख रहा था खांसी आ रही थी प्रॉपर नींद नहीं आई अनकंफर्टेबल फील हो रहा था बॉडी पेन हो रहा था तो इसमें डॉक्टर्स जो है वो सुनते ताकि वो क्या क्या चीजें हो रही है उसको समझे और माइंड में वो कैलकुलेट करता है कि उसको क्या क्या कौन कौन सी दवाई देनी है राइट सो कस्टमर फोकस ओनली ऑन प्राइस बहुत से लोग कस्टमर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचते हैं हालांकि सर ये बात कुछ हद तक सही है अगर मैं बात करूं तो हम भी कस्टमर हम मोस्टली प्राइस के ऊपर ज्यादा फोकस करते कितने का है कितने का है कितने का है, हम पूछते हैं राइट लेकिन अगर बेनिफिट अगर मिल रहा हो मैंने कहा था ना एक प्रोपरेट सोल्यूशन मुझे मिल रहा है और मुझे अगर आपने ऐसा फील करवाया है कि यार ये प्रोडक्ट के अलावा शायद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है या यही प्रोडक्ट है जो मुझे रिजल्ट दे सकता है अगर ये सोल्यूशन अगर आपने मुझे दे दिया फिर मैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचूंगा क्योंकि मुझे मेरा बेनिफिट या मुझे मेरा रिजल्ट मिलना बहुत जरूरी है एज कम्पेयर टू प्राइस और सबसे बड़ी बात अगर मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूँ तो मेरे ख्याल से अगर लोगों को उनका प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाता है राइट right? तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरली मुझे नहीं लगता है कि कोई सोचेगा क्योंकि हॉस्पिटल में जितना भी बिल आता है उतना भरना ही पड़ता है राइट या जो डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है उतनी लेनी ही पड़ती है तो उसमें हम प्राइस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि पता है हमें कहीं ना कहीं माइंड से कि यही दवाई खाना यही दवाई खाने से बुखार जाएगा या सर्दी जाएगी या खांसी जाएगा तो उसमें हम प्राइस के बारे में नहीं सोचते क्योंकि उसमें आपको पता है कि ये दवाई से सोल्यूशन मिलने वाला है

काये बनती है, राइट वो इतने सालों से है उसमें काफी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, कुदरत ने हमें बहुत सारी चीजें दी है और यही काय को जब कछवा खाता है तो 300 साल तक जीता है अब सोचिए सर ये स्प्रा खा के अगर कछुआ 300 साल तक जी रहा है तो आप कम से कम 150-100 साल तक जी सकते हो राइट चलो 100 साल तो नहीं बट कम से कम 90 साल तक जी सकते हो तो ये और सर इतना ही नहीं ये स्पेरोना जो है आपको पता है कि अंतरिक्ष में खाना मिलता नहीं है वहां पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है वहां पे खाना लेके नहीं जा सकते तो फिर आपको पता है कि अंतरिक्ष में जो लोग जिंदा रहते हैं वो स्पिरोलिना की वजह से रहते हैं क्योंकि के कैप्सूल्स लेकर जाते हैं तो ये एक जो ये पिच होती है स्पिरोलिना को लेकर वो जरूरी नहीं कि सभी को वो सूट हो अगर आप मुझे एग्जाम्पल दो कि सचिन जी देखो जो लोग है ना अंतरिक्ष जाते हैं रॉकेट में बैठकर उन लोग स्पिरोलिना की गोली लेके जाते हैं मैं तो अंतरिक्ष जाता नहीं हूं तो हो सकता है ये लाइन मुझे सूट ना हो या मुझे प्रभावित ना करे करेक्ट और मुझे नहीं लगता है कि आप में से भी कोई अंतरिक्ष गया हो सो so, जरूरी नहीं कि एक ही पिच हो सर आपकी पिच अलग अलग होनी चाहिए और इसके लिए पिच अलग अलग होने के लिए ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है और ट्रेनिंग अटेंड करते वो पॉइंट्स नोट डाउन भी करने पड़ते हैं ताकि आप जो आधे घंटे के बाद भूलो नहीं तो ये बिलीव वर्सेस फैक्ट है और आप काफी स्मार्ट हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट ले स्क्रीन शॉट हो कि जो खरीदारी होता है या जो खरीदने आया होता है उसको लगता है कि उसको क्या चाहिए उसको पता है बट बहुत बार ऐसा नहीं होता है ऑफन बायर्स नो देट देव अ प्रॉब्लम बट हैव नो नॉलेज अबाउट ऑफ सोल्यूशन अवेलेबल ये खास करके अगर मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर मैं अगर बात करूं तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम तो उनको पता ही नहीं इस प्रॉब्लम का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अभी अगर नी पेन या जॉइंट पेन की अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोगों ने बहुत से डॉक्टर्स ट्राई किए होंगे बट सॉल्यूशंस नहीं मिला होगा बट आपको पता है कि हमारे जो है ग्लूकोजमीन है फ्लेक्स ऑयल है कैल्शियम है इन प्रोडक्ट्स की वजह से बहुत से लोगों का घुटनों का दर्द या ज्वाइंट पेन का जो दर्द है वो चला गया है तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके पास आपके टीम में भी है यूट्यूब में भी अवेलेबल है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बायर्स को पता कि उसको क्या चाहिए बहुत बार बायर्स को पता नहीं होता है कि उसको क्या चाहिए उसको पता है खाली प्रॉब्लम पता है उसको बट नहीं पता होता और लोगों को है, products, themself, समय लगता है ग्रेट सेल हमें लगता है अरे बिक जाएगा अरे फ्लेक्स ऑयल हो तो हर एक कंसिस्टेंसी में फ्लेक्स ऑयल तो होता ही है ऐसा नहीं है सर जरा एक बार अपने टीम में देखिए कि अगर लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं अगर सौ बीवी की कंसिस्टेंसी कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और एज अ लीडर एज अ अपलाइन आपको ये कोशिश करिएगा देखने के लिए सौ पीवी में वो कौन कौन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्या ऐसा तो नहीं कि कोई प्रोडक्ट छूट जा रहा है तो उसको पूछ सकता हूँ क्यों नहीं खरीद रहा? कि आपको बाहर जाते वक्त ऑफिस जाते वक्त क्या आपको डियोड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ती है अगर पड़ती है तो वेस्टीज के डियोड्रेंट क्यों नहीं राइट ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए खास करके सेलिंग में और ये बहुत से लोगों को अंधविश्वास होता है ये सब फ्लेक्स ऑयल ऐसे बिक जाएंगे बिक जाएगा ऐसा नहीं होता है सर राइट वो प्रोडक्ट बेचना या शेयर करना इजी हो जाता है राइट बट लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है सर और लोगों को लगता है सेलर इज लोअर इन सिचुएशन लोअर इन स्टेटस इन सेल सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं सर अगर एक सेलर है या अगर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हमारे पास एक अच्छा सोल्यूशन अच्छा प्रोडक्ट है तो हमें झुकने की कोई जरूरत नहीं है राइट right? सो so, हमेशा याद रखिए सर कि अगर इम्पोर्टेंट सेलिंग करनी है तो उसके लिए कुछ चीजें होनी चाहिए एक सेल्स पर्सन के अंदर लेकिन उससे पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वट डू थिंक अबाउट प्रोडक्ट्स और प्लान यू शेयर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में प्लान के बारे में क्या सोचते हो या आप, आप अपने कंपनी के बारे में क्या सोच रखते हो या आप जो इस इंडस्ट्री में हो डायरेक्ट सेलिंग में हो राइट उसके करियर को लेकर आप क्या सोच रखते हो अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर प्लान के ऊपर या कंपनी के ऊपर या डायरेक्ट सेलिंग के एज अ करियर के ऊपर अगर एक सिंगल परसेंट भी डाउट है तो आप सफल नहीं हो सकते अगर एक दस लीटर का एक दूध है उसमें अगर एक बूंद जहर की अगर उसके अंदर पड़ गई राइट तो फिर वो दस लीटर दूध दूध नहीं कहलाया जाएगा फिर उसी प्रकार अगर हमारे माइंड में अगर एक बूंद भी वन परसेंट भी अगर पॉइजन है हमारे प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को लेकर सोच को लेकर प्लान को लेकर कंपनी को लेकर अपने अपलाइन को लेकर या डायरेक्ट सेलिंग एज ए से करियर को लेकर अगर एक वन परसेंट भी पॉइजन है तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाओगे दूसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि व्हाट इज योर मोटिव व्हेन यू हैव अ मीटिंग विद प्रोस्पेक्ट जब आप प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हो तो क्या सोचते हो मुझे पता है कि क्या सोचते हैं लोग जब आप प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हो कि बस ये आदर कर दे जो दे ज्वाइन कर दे सर घर से ही सोच के अगर निकलोगे कि ज्वाइन कर देगा तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा क्योंकि बहुत से लोग हो सकते हैं कि जो पहले आपके प्लान में इंटरेस्ट ना हो तो और वैसे भी लोगों को मेंबर और चेन बनाने वाले काम से जो है वो पहले तो उन लोग ना ही कहते हैं और अगर आप घर से सोच के निकले हो कि आज इसको ज्वाइन करवाऊंगा तो ये गलत हो जाता है सर क्योंकि उसके बाद आपकी आपका जो फोकस है उसके नीड पे बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसको प्रोडक्ट्स मुझे बताने हैं या मुझे प्लान बताना है या दोनों बताना है और जब हम मिलने जाते तो क्या सच में हम प्रोस्पेक्ट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं या और ज्यादा उससे हमें क्या जानकारी मिले या सिर्फ बिजनेस करने जा रहे हैं हम आ गए हमारा जो डेमो किट हमने ओपन कर दिया सक्सेस uh, प्लान का बुक ओपन तो कर दिया और उनको बताते शुरू हो गए और एक सक्सेसफुल सेल पर्सन बनने के लिए क्या चाहिए व्हाट डू यू बिलीव आपको क्या लगता है सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बनने के लिए क्या क्या चाहिए ये एक्चुअली एक वर्कशॉप होता है जो हम मेजरली चार घंटे का करते हैं इसमें कुछ एक्टिविटीज भी होती है राइट अभी जैसे कि सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ हम ऑफलाइन कर रहे हैं राइट इसलिए मैं ये चीजें खाली ऐसे बताते जा रहा हूं आपको लेकिन आप मेरे सामने अगर लाइव बैठे होते तो मैं एक एक लोगों से पूछता कि सर प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच है आपकी प्लान के बारे में क्या सोच है क्या आप अपने कंपनी पे विश्वास रखते हो क्या आपको अपने प्लान पे विश्वास है क्या डायरेक्ट सेलिंग ऐसे करियर पे विश्वास है जब आप लोगों को प्लान कर, बताने निकलते हो या मीटिंग करने निकलते हो तो क्या मोटिव है क्या सोच कर जाते हो राइट right? तो ये चीजें सवाल जो है आपको पूछना है और उसका जवाब उम्मीद करता हूं कि आपने अपने को दे दिया होगा आगे बढ़ते हुए सेलिंग जब आप करते हो सर सबसे पहली चीज केयरिंग और सर्विस ओरिएंटेड ये दो चीज मैंने ऊपर लिखी है ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर केयरिंग यानी कि आपको कस्टमर के लिए केयर होना चाहिए तभी आप उसको एक अच्छा सोल्यूशन दे पाओगे बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत से लोग यू you नो know, पता नहीं होता है कि कौन से चीज के लिए कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए तो उन्हें लगता है कि घर पे जो पड़े हैं दे देंगे अब बाईपास केस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि यार एलर्जी नाइन ये वो हेल्थ हार्ट हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है नहीं लेकिन घर पे नो नहीं करके वक्त अन पड़ा है कि यार ये तीन तीन रोज सुबह दे के देख लेते पता तो चलेगा कि पास होता है कि फेल होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर कि केयरिंग एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए अपने कस्टमर्स को लेकर एंड इनफैक्ट अपने डाउनलाइंस को लेकर भी देर शुड बी केयरिंग एटीट्यूड सर्विस ओरिएंटेड हमेशा हमें होना चाहिए राइट right? क्योंकि अगर हम एक इंडस्ट्री में हम एक सर्विस इंडस्ट्री में है तो हमारे माइंड में एक ही चीज होना चाहिए कि जितना अच्छा सर्विस हम दे पाए हमारे कस्टमर्स को या हमारे कस्टमर बेस को उतना हमारे कस्टमर्स हमारे साथ रहे टिके रहेंगे और कहीं ना कहीं हम खुद भी कस्टमर है बाहर की दुनिया के लिए आप में से बहुत से लोग सिम कार्ड इस्तेमाल करते होंगे सभी लोग करते होंगे बहुत से लोग क्या अलग अलग कंपनी के कोई एयरटेल इस्तेमाल कर रहा है कोई वोडाफोन इस्तेमाल कर रहा है कोई जियो इस्तेमाल कर रहा है तो डिपेंड करता है कि आप भी चेक करते हो यार किसका सर्विस कितना किसका नेटवर्क ज्यादा अच्छा है एक्साइटेड आप होने डिटर्मिनेशन कि नहीं कैसे भी करके मुझे जो है अपने कस्टमर बेस भी क्रिएट करने हैं ताकि मुझे साइड बोलने की जरूरत ना पड़े या टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े कॉन्फिडेंस ये तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करोगे तब पॉजिटिव एटीट्यूड जब आप अपने अपलाइन के साथ सबसे ज्यादा रहते हो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है रिस्पेक्ट ऑब्वियसली चाहे कस्टमर हो नहीं हो वेस्टिज में हो नहीं हो अदर कंपनी में हो तो फिर भी हमें हर एक इंसान को रिस्पेक्ट देना है करेज एक तभी आएगा कॉन्फिडेंस और करेज ये तभी आता है जब ज्यादा ज्यादा से लोग ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं अगर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं करोगे नॉलेज नहीं मिलेगी नॉलेज अगर नहीं मिलेगी तो ये कॉन्फिडेंस और करेज करेज यानी कि हिम्मत वो आएगी नहीं प्रोडक्ट बेचने में वेल ग्रूम जब भी आप कहीं पे भी जाओ राइट right? किसी को प्लान बताने के लिए प्रोडक्ट बताने के लिए किसी से मिलने के लिए या मीटिंग में जब आप जाते हो तो वेल well ग्रूम्ड होके जाइएगा प्रपरली ड्रेस्ड होना चाहिए शूज प्रॉपरली होने चाहिए राइट मेकअप स्किन फार्मूलाइन लेडीज है तो उसके इन फॉर्मोलाइन मिस्रा मिलान राइट प्रॉपर प्रोडक्ट्स लगाइए देखिए कैसे क्या है कुछ डाउट है तो आर्तिक मैडम की ट्रेनिंग अटेंड करिए या उनसे पूछिए और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो मैं एक और चीज जो लास्ट में लिखिए है, वो है टॉलरेंस एंड पेशेंस हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे पेशेंस संयम रखना बहुत जरूरी है और टॉलरेंस भी कभी कभार आपको लगेगा कि यार इतना अच्छा मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया इतना स्प्रियोना के बारे में बताया मैंने अंतरिक्ष के बारे में बताया मैंने सब बहुत सारी चीजों के बारे में बताया लेकिन वो फिर भी उसने प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो आपको तो बताइए एक हमारा नियम नेटवर्क मार्केटिंग का एक गोल्डन रूल है आता है तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट बट याद रखिए ऊपर के जो दो पॉइंट्स मैंने लिखे सर्विस ओरिएंटेड एंड केयरिंग ये दोनों चीज आपके अंदर होनी चाहिए सो so, अभी तक बहुत सारी चीजें मैंने कवर करी है एंड uh, कुछ चीजें रिवाइज कर लेते हैं राइट एफिशिएंट सेलिंग इन्वॉल्व कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है सोल्यूशन प्रॉपर देना है सोल्यूशन कैसे देने हैं वो हम जरूर आगे की स्लाइड में देखेंगे या कल की ट्रेनिंग में हम देखेंगे पुश नहीं करना है प्रोडक्ट्स को कस्टमर नीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीड आधार कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है राइट right? ये सेलिंग बिलीव फैक्ट है लोगों को लगता है कि बचपन से ही डीएनए में सेलिंग स्किल्स आ जाती है ऐसा नहीं है सेलिंग स्किल्स सीखी जा सकती है लोगों को लगता है कि जो अच्छा बोलता है वही अच्छा बेच पाता है ऐसा नहीं है जो अच्छा सुनता है वो अच्छा प्रोडक्ट बेच पाता है कस्टमर से प्राइस के ऊपर फोकस करता है वेरी गुड लेकिन अगर कस्टमर को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो वो प्राइस फिर नहीं देखते है. वन पिच फिट्स ऑल राइट तो अगर स्पिर बता रहे हो तो कछुए के बारे में और अंतरिक्ष के बारे में छोड़कर भी कुछ नई पिच बनाइए ताकि वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे या लोगों को अपने नीड के हिसाब से पिच बनाइए बिलीफ और फैक्ट बिलीफ की अगर मैं बात करूं तो लोग लोगों को लगता है बायर्स बायर्स को हमेशा लगता है कि उनको कैच चाहिए बट ऐसा नहीं होता है बहुत बार बायर्स को पता ही नहीं होता है कि उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए बड़े प्रोडक्ट्स अपने आप बिक जाएंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है अगर ये जिस भी किसी कंपनी ने सोचा है ना कि बड़े प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो हमेशा वो प्रोडक्ट नीचे गिरा है कुछ सालों के बाद आज भी मैगी वाले मैगी नूडल्स का एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं इतने सालों से क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस अगर हमने एडवर्टाइज करना बंद कर दी तो कहीं ना कहीं मैगी गिर जाएगी या कंपटीशन जो है वो उसके ऊपर आज भी देखिए डेरी मिल कितने सालों से चॉकलेट चल रही है बट फिर भी क्यों एडवर्टाइज आ रही है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीजें हमने देखी ये सेल्स प्रोसेस है एक दो तीन चार पांच छ सात ये सात स्टेप्स है नो द प्रोडक्ट प्लान नो द कस्टमर आइडेंटिफाई नीड अप्रोप्रेट सोल्यूशन क्लोजिंग एंड फॉलोअप आपको लगता इतनी सारी पढ़ाई है, कि है, बहुत सिंपल है सर इसको एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा राइट बट ये सात कदम ये जो sales process है, जैसे हमारे वेस्टीज सिस्टम में जो सेवन स्टेप्स होता है यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट लिस्ट इनविटेशन मीटिंग टीम वर्क अप ये जो सात कदम है वैसे ही सेल्स में सात प्रोसेस होता है तो उसमें से आज टाइम भी कमी होने के कारण हम खाली एक ही स्टेप आज हम करेंगे वो है नो द प्रोडक्ट एंड प्लान प्रोडक्ट और प्लान ये नहीं आता है तो सीखो राइट क्योंकि प्रोडक्ट और प्लान के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट शेयर करना या प्रोडक्ट सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर अब इसमें देखिए शैम्पू जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे या हेयर कंडीशनर जो है या अल्ट्रा स्वैब शाइन अल्ट्रा वॉश इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए इतना पढ़ने के लिए इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसे है जिसमें हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती या एक डेमो की जरूरत पड़ती है दैट्स जो आपने अपने अपने डेमोज है वो आपको पता है राइट हर एक प्रोडक्ट के पीछे अभी देखिए जो हमारा अल्ट्रा स्वैब जो है लादी पोछा करने वाला जो लिक्विड है वो क्यों मार्केट का छोड़कर मैं आपका अल्ट्रा स्वैब इस्तेमाल करूं ऐसे सिर्फ दो या तीन पॉइंट आपको बताने right राइट उसका आप फ्रेगनेंस के बारे में बात कर सकते हो दूसरा कि फ्लोरिंग के लिए काफी अच्छा है नॉन क्रेसिव है टाइल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपके हाथों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा राइट right? दो तीन चीज चार चीज बस इतना ही है हाँ बट हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करूं तो ये आपको मुझे हो सकता है कि थोड़ी डिटेल जानकारी देनी पड़ेगी जैसे कि यहाँ पे हार्ट हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो फ्लेक्स ऑयल है नहीं, नहीं, और कोक्यूटेन है तो कोक क्यूटेन है क्या कोक क्यूटेन खाने से क्या होगा क्या फायदा है इसमें आपको पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पढ़ना है अंदर पूरा केमिस्ट्री में नहीं जाना है कोक यूटेन का स्ट्रक्चर ये है अंदर जाके ये सेल को एक्टिवेट करेगा इसके ऊपर वो बैठेगा वैसा नहीं उतना नहीं बट एटलीस्ट को जरूरी क्यों है तो हेल्थ सप्लीमेंट्स ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करिए राइट मिस्टर ऑफ मिलान कैसे अप्लाई करना है क्या है तो इसलिए जो हर एक जो ट्रेनिंग्स होती है ज्यादा से ज्यादा बैठोगे जब भी आरती मैडम आएंगे ट्रेनिंग करने के लिए या हेल्थ वर्कशॉप जब भी होता है ज्यादा से ज्यादा अटेंड करिए क्योंकि हर एक ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा हंड्रेड परसेंट में से एटी परसेंट चीज मान लो अगर नहीं समझ में आई है लेकिन जो ट्वेंटी परसेंट चीज समझ में आई है और जो कुछ उसमें से पाँच परसेंट भी अगर आपको नया मिला है तो वो पांच परसेंट भी काम आता है सर यही पांच पांच परसेंट कर करके सर हमारी नॉलेज बढ़ जाती है तो सबसे पहला कदम सेल्स प्रोसेस का वही है सर कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करिए राइट लोगों को लगता है सीएनटी अरे सीएनटी तो इतनी बार कर दिए बलवानी जी तो पांच साल से आई रही है अभी नितिन दोबड़े आ रहे हैं तो क्या है क्या फर्क है वही सीएनटी है वही प्रोडक्ट्स है सर अटेंड करो आप वेस्टीज का चेहरा हो आप लोग जब सीएनटी में आते हो राइट तो इनफैक्ट आधे से ज्यादा लोग आपको देखकर मोटिवेट हो जाते हैं

लेकिन आपको मीटिंग हेल्थ वर्कशॉप पुणे में तीन महीने में, में एक बार होता है तो क्या करोगे तो सबसे पहले देखो कहां से, production plan. Production plan कहां से से गेट टू नो द द प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्लान प्लान जानोगे सेल्फ यूज प्रोडक्ट ये सबसे बढ़िया चीज है सर सेल्फ यूज द प्रोडक्ट कितने भी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर लो बट सेल्फ यूज द प्रोडक्ट नहीं किया है तो प्रोडक्ट शेयर करने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इसलिए हम वेस्टिज में पहला कदम ही है कि यूज द प्रोडक्ट एंड उसके बाद दूसरा कदम है शेयर द प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स मीटिंग्स जो मैंने बहुत बात कर ली इसके ऊपर ऑनलाइन लिटरेचर अगर कुछ है तो अब देखिए सर बहुत बार मीटिंग में भी अगर मान लो को के बारे में राइट उसके बारे में डिटेल कभी जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है या ऑनलाइन ट्रेनिंग में या ऑफलाइन ट्रेनिंग में क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स वेस्टीज में ऐड हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनर को भी वो प्रोडक्ट्स जो है कहीं ना कहीं उसका डिटेल्स जो है जैसे पहले वेस्टीज में पच्चीस प्रोडक्ट या दस प्रोडक्ट हुआ करते थे, तो डिटेल में ट्रेनिंग ली जाती थी हरे प्रोडक्ट के बारे में बट आज शायद वैसा नहीं है तो को क्यूटेन है क्या क्या करता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर भी आपको सर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर एंड ये बहुत सिंपल है आज ट्रेनिंग होने के बाद दो प्रोडक्ट के बारे में खाली आज, आज आपको पूरे दिन में जानकारी लेनी है इंटरनेट से खाली गूगल पे टाइप करना है वॉट इज कोक्यूटन इन हिंदी अब जिनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है लिखना है वॉट इज कोक्यूटिन इन हिंदी कोक्यूटिन करता क्या है या अगर टाइप करने भी अगर कुछ लोगों को नहीं जम रहा है तो गूगल के बाजू में एक माइक है माइक को खाली प्रेस करके बोलना है कि करक्यूमिन के फायदे हिंदी में बताइए तो गूगल आंटी जो है वो आपको बता देगी नहीं सीक हेल्प फ्रॉम द अपलाइन वेस्टीज में तो ये फॉर्मूला बताइए जहां पर भी अटक रहे हो अपलाइन से पूछो कैसे डाउनलाइन को बताओ वैसे और मिलकर कमाओ कैसे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस शो द प्लान प्लान जिसको नहीं आता है अपलाइन से पूछो कैसे डाउनलाइन को बताओ वैसे और मिलकर कमाओ पैसे प्लान अपलाइन अगर एक्टिव नहीं है या अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है अपलाइन काफी बिजी है कोई बात नहीं यूट्यूब से पूछो कैसे डाउनलाइन को बताओ ऐसे और मिलकर कमाओ पैसे प्रैक्टिस शो द प्लान सर इसका मतलब क्या हुआ आप प्रैक्टिस कहां करोगे बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने आपको मना किए कि नहीं मुझे नहीं करना है ये वो ऐसे बहुत से इसके भी एक लिस्ट शायद आपके पास होगी एक्चुअली इसकी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ये अपने आप हमारे दिमाग में याद होता है यार किसने हमें मना किया है क्योंकि यही यही वो लोग हैं जिनको मैं अपनी मर्सिडीज में बिठाऊंगा आगे चल के तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोगों ने ना बोला है उसकी लिस्ट बनाने की जरूरत होती है बट अगर ज्यादा लोगों ने आपको ना बोला तो है तो कहीं ना कहीं ये उसकी लिस्ट बना लो Uh, क्यों पता है क्योंकि जो हमारे आसपास के जो लोग है देखिए आपके दोस्त ने आपको मना किया होगा आपके नेबर्स ने आपको मना किया होगा हो सकता है आपके रिश्तेदारों ने आपको मना किया होगा या आपके ऑफिस ने आपको मना किया होगा प्रैक्टिस सर कहाँ करें अभी हम खुद से प्रैक्टिस कितने बार करें सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का वो ये है कि जिसने आपको मना किया उसको आप दोबारा मिलके बोल सकते हो यार यार लास्ट टाइम का प्लान मैंने तुझे बताया था यार उसमें ना मैंने कुछ चेंजेस किए हैं मैंने अपने प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा उसको फाइन ट्यूनिंग किया है यार मुझे ना इसमें तेरे हेल्प की और तेरे सजेशन की जरूरत है मैं चाहता हूं कि तू एज कस्टमर बने मैं एज अ वेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन के दोबारा तुझे प्लान बताऊंगा तू मुझे बता यार इसमें कौन कौन सी चीजें तुझे ऐसी लगती है कि मुझे इंप्रूव करना चाहिए मुझे इसको कट डाउन करना चाहिए या मुझे इसको और ज्यादा डिटेल में बताना चाहिए तो आपका दोस्त है या आपको आपका जानकार इंसान है इतनी तो मदद कर सकता है एटलीस्ट और इस बार वो निश्चिंत हो जाएगा क्योंकि इस बार उसको बताया कि मुझे ज्वाइन करना नहीं है मुझे खाली बताना है और वो आपके प्लान को हंड्रेड परसेंट नहीं टू हंड्रेड परसेंट ज्यादा क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कमी ढूंढनी है आपके प्लान में या उसको बताना है कि क्या अच्छा था क्या अच्छा नहीं था तो क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा वो बताने के लिए उसको पहले ध्यान से सुनना तो पड़ेगा हो सकता है पिछली बार नहीं सुना और इस बार आपका प्लान ध्यान से सुन लिया हो और हो सकता है कि आपको सजेशन आपको राय देने के चक्कर में रात को एक बजे उसको नींद आने से पहले उसको ये थॉट आ जाए माइंड में कि मैं भी कर लू क्या उस, उसको तो कुछ नहीं पता था उससे ज्यादा तो मैं उसको बता रहा था और इसमें ना सर एक ट्रिक है जब भी, भी आप इसको दोबारा प्लान बताते हो या किसी सजेशन ले रहे हो लास्ट में खाली इतना ही बोलना है कि थैंक यू जो भी उसका नाम है करूंगा, करूंगा। पचास हजार की पचास हजार एन अबाउ की इनकम आ गई मेरे दोस्त तो यार कसम से जो पहली पार्टी दूंगा वो तुझे दूंगा तो जो एक बजे उसके मन में जो ख्याल आया था ना वो तीन बजे तक भी वो ख्याल चलते रहेगा कि कर लू क्या पचास हजार अगर आ गया तो वैसे भी मैंने ही उसको सिखाया लोग मुझे भी ऐसे यार तूने बताया तू खुद क्यों नहीं किया देख उसने कर लिया तो सर ये प्रैक्टिस करने वाले लोग भी हमारे पास होने चाहिए राइट इसलिए व्यवहार बना के रखोगे तो व्यापार होगा लेकिन अगर किसी ने प्लान सुन के अगर उसने मना कर दिया और आपने उसको ब्लॉक कर दिया तो प्रैक्टिस किसी हाथ करोगे मेरे साथ कि चलो अपना सचिन सर बोरेली ब्रांच में बैठते हैं उनके जाके उनके सामने प्लान बताते एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसा नहीं है सर आप कस्टमर आपको बहुत अच्छे से बता सकता है कि कहा आपकी गलती हो रही है राइट अलग अलग लोगों को प्लान शो करो प्रैक्टिस करो दोबारा जिसने ना बोला उसको दोबारा प्लान शो करो आज ये भी सोचो कि जिसने ना बोला है कि उससे एडवाइस लेकर ऑब्वियसली हम किसी ऐसे बंदो को एडवाइस नहीं मांग सकते कि जिससे हम एक ही बार मिले एक ही बार प्लान बताए उसको हम वापस तो नहीं बुला सकते बट एटलीस्ट जो आपके करीबी लोग है उनके साथ तो आप प्लान प्रैक्टिस शो करने का कर प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेस्टिव आपके पास होनी चाहिए याद रखो इस बिजनेस में आपका, आपका अपलाइन जरूर था बट इस बिजनेस में आप काम कर रहे हो आपके अपलाइन की वजह से नहीं किसी किसी के कहानी की वजह से किसी न किसी के टेस्टीमोनियल्स की वजह से और टेस्टीमोनल अगर प्रोडक्ट का हमारे पास है तो प्रोडक्ट शेयर करने में बहुत जो है आसानी हो जाती है इट इज वेरी इजी टू शेयर प्रोडक्ट या इट इज वेरी इजी टू सेल प्रोडक्ट जब हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है लोग अगर पूछते हैं इसका रिजल्ट आता है कि तो आपके पास 10 से 20 वीडियो ऐसे होने चाहिए आपके मोबाइल में उसको बताना चाहिए सर देखिए 20 वीडियोज है, वीडियो है। इसमें से कोई भी एक क्लिक कर लीजिए आपको अगर सुनना है कि प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे अगर आपके किसी डाउनलाइन में किसी को प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है उसके पास से व्हाट्सएप पे लिखवाइए फीडबैक प्रोडक्ट का और साथ ही साथ जब मौका मिले तब उनका वीडियो भी एक बना लीजिए शॉर्ट वीडियो बनाना है बीस बीस पंद्रह पंद्रह मिनट का वीडियो नहीं बनाना है इससे आपके मोबाइल की स्पेस भी कंज्यूम हो जाएगी शॉर्ट वीडियो राइट नाम क्या है मेरे को मुझे क्या प्रॉब्लम थी और मैंने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए कब तक मैंने खाए प्रोडक्ट यूज करने के पहले का अनुभव क्या था यानी कि क्या था कि डाउट था नहीं था क्या था कैसे समझाया गया क्यों प्रोडक्ट्स खरीदे एंड उसके बाद जो रिजल्ट आया वो बस इतना ही हार्डली पांच मिनट के ऊपर का वीडियो नहीं होना चाहिए या तीन मिनट के ऊपर का वीडियो नहीं होना चाहिए क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपने मोबाइल में रख सको आप लोगों को बता सको टेस्टिमोन so, देखिए इसके ऊपर फोकस करिए एक छोटा सा भी रिजल्ट फिर चाहे वो फेस वॉश हो चाहे साबुन हो चाहे चाहे टूथपेस्ट क्यों ना हो अगर उसका रिजल्ट अगर आपको आ रहा है तो प्लीज आप उसका टेस्टिमोनियल्स लेना मत भूलिए टेस्टिमोनियल्स लेना बहुत से लोग भूल जाते हैं हेल्थ केयर के टेस्टिमोनियल्स बहुत है हमारे पास बट मैंने टूथपेस्ट का टेस्टिमोनियल्स नहीं देखा है बहुत मैंने चाहे साबुन का टेस्टिमोनियल नहीं देखा है कुछ भी हो सकता है सर साबुन अगर अगर मैं पहले का इस्तेमाल कर रहा हूँ अगर मैं पहले हमाम इस्तेमाल कर रहा था नीम सोप लेकिन अगर मैं अभी वेस्टीज का नीम सोप इस्तेमाल कर रहा हूँ दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है क्योंकि मैं खुद एज ए ट्रेनर मैंने पहले एक बार नीम सोप ट्राई किया था हमाम और उसके बाद मैंने नीम सोप कभी ज़िंदगी में नहीं खरीदा वेस्टीज का भी नीम सोप मैंने नहीं खरीदा था वो कंसिस्टेंसी या कुछ रिपर्चेज ऑफर में जो एक किसी की आईडी लेकर जो मैंने प्रोडक्ट खरीदे थे तो उसमें वो साबुन आ गए थे और लिटरली मैंने साबुन के बारे में सोचा नहीं था कि मैं इसको यूज करूँ मैं सोचा यार मेरा दोस्त उसको दे देता हूं लेकिन वो दोस्त साबुन लेना भूल गया और कहीं ना कहीं मुझे वो साबुन इस्तेमाल करना पड़ा और तब मुझे पता चला कि वो जो कॉम्पिटिशन वाला जो ब्रांड है हमाम और अपने नीम साबुन में जमीन आसमान का फर्क है और वो फर्क क्या था क्योंकि तो आपको पता है कि वो साबुन मार्केट के साबुन का जो नीम हो है वो पिघलने लगता है और चिपचिपा हो जाता है बहुत सारी चीज़ें हमारा नीम सोप नीम्स कम्प्लीटली डिफरेंट तब मुझे पता चला कि यार ये दोनों में इतना डिफरेंस है तो ये छोटा सा टेस्टिमोनियल्स भी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मेरे एक्सपीरियंस के बारे में एक हमाम सोप के बारे में और हमारा का नीम सोप के बारे में तो वैसे और भी कस्टमर्स आपके पास होंगे जितने वीडियोस आपके पास होंगे ना सर उतना नए प्रोस्पेक्ट को आपको शेयरिंग करने में सेलिंग करने में दिक्कत नहीं होगी इससे कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा प्रोस्पेक्ट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी राइट right? एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इतने सारे टेस्टीमोनियल्स आपके पास है और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए भी सबसे बढ़िया चीज होती है अगर आपके पास टेस्टीमोनियल्स है तो अभी से याद रखिएगा चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो कोई भी प्रोडक्ट राइस ब्रांड हो ये वो टेस्टिमोनियल्स आपके मोबाइल में होने चाहिए रिकॉर्डेड व्हाट्सएप मैसेजेस आपके पास होने चाहिए ताकि आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप उसको स्क्रीनशॉट शॉट के लिस्ट से बता सकते हो देखो सर ये मेरे कस्टमर बेस है आज इतने इतने लोग आज डेढ़ सौ लोग आप देख यहाँ पे देख सकते हो कि दो सौ से तीन सौ स्क्रीन शॉट है सर ये लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए प्रोडक्ट के पास ये तीन सौ में से सर कोई भी देख सकते हो सर और जब उसको लगेगा कि अरे इनके पास ये इतनी सारी चीजें इतने लोगों ने कस्टमर इतने कस्टमर्स ने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है तो ऑटोमेटिकली वो प्रोस्पेक्ट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है यानी कि वो माइंड में कहीं ना कहीं ये सोच लेता हूँ चल इतने लोगों ने ट्राई की है मैं भी ट्राई कर ही लेता हूं और ये ट्राई 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 जब आपके प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स करते रहते हैं तब जाके हमारी पीवी बढ़ती है सर ये छोटी छोटी चीज करने से ही पीवी जो है वो बढ़ती रहेगी सर इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आज कस्टमर बेस बनाने पे फोकस करिए राइट right, सबसे पड़ सर लेकिन सबसे पहला पॉइंट नेटवर्क तो आपको होना ही चाहिए ज्वाइनिंग पे भी लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो ज्वाइन नहीं कर रहा है वो कह रहा है मैं सोच के बताऊंगा क्यों ना अरे सर सोचिए ना इतना बड़ा बिजनेस है सोचना तो जरूरी है मैं तो चाहता हूँ आप एक से दो मीटिंग आप हमारी फ्री वाली अटेंड करिएगा ताकि वो मीटिंग अटेंड करने के बाद हो सकता है कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाए बट फिलहाल सर जब तक आप सोच ही रहे हो तो क्यों ना सर हमारे छह से सात प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लो जब आप हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे सर तो आप जैसे कस्टमर का फीडबैक सर मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि आपके फीडबैक से हो सकता है कि मेरे बिजनेस में तो थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए और डेवलपमेंट आ जाए तो उन्हें नहीं आज छह से सात नहीं दो तीन प्रोडक्ट से मैं शुरुआत करूंगा ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं एक चीज हमेशा याद रखिए एज अ व्यापारी कभी भी किसी घर से खाली हाथ नहीं आना है ये एक और चीज आज नया बना लीजिए कि अगर मैं किसी को प्लान बता रही हूं या किसी को प्लान दिखा रहा हूं तो सिंपल सी बात यह है कि एटलीस्ट मैं एक स्पिरुलिना, या कोई ना कोई आमला या एक गेनो टूथपेस्ट या एक uh, अशोर नेचुरल कोई भी एक प्रोडक्ट में एटलीस्ट वो एक शेयर करके आ जाओ शेयर करके मतलब एज अ सैंपल की तरह नहीं वो प्रोडक्ट देना है और पैसा लेना भी है बहुत से लोग मैंने देखा है कुछ यूथ है हमारे वेस्टीज में जो प्रोडक्ट रिटेल भी करते हैं एमआरपी पे और दो से तीन हजार रुपया ऐसे ही कमा लेते तो मैंने पूछा मतलब मैं सर ये दो तीन हजार में क्या हो जाता रहेगा बोले तो सर ये दो तीन हजार में बहुत चीज होता है एक तो कस्टमर बेस बनता है दूसरा ये कस्टमर में से हमें आगे चल के डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं तीसरा जो हमारे हम टीम मीटिंग करते हैं पेट्रोल पेट्रोल का खर्चा टीम मीटिंग करते वक्त बाहर चाय बिस्किट का जो पैसा होता है ये सारी चीजें हम अपने जेब से क्यों डाले सर जब कंपनी ने मौका दिया है पैसे कमाने का मैंने बोला वाह बढ़िया चीज है जो भी दो तीन हजार लगता है मीटिंग में सर हम कभी भी हमारी टीम की जो बड़ी मीटिंग होती है राइट हम जब जाते हैं अटेंड करने के लिए वर्कशॉप अटेंड करने के लिए कोई दो दो तीन तीन दिन की ट्रेनिंग होती है राइट जिसमें स्टे भी करना पड़ता है जिसकी टिकट पाँच हजार होती है छ हजार होती, होती है तीन हजार होती है दो हजार होती है राइट तो हम सर प्रोडक्ट रिटेल करके ही जो है वो पैसा कमानाते हम कभी भी अपने जेब का पैसा नहीं डालते मीटिंग में प्रोडक्ट रिटेल जो कंपनी ने इतनी अच्छी ऑप्शन दी है तो क्यों ना प्रोडक्ट रिटेल किया जाए तो याद रखिए सर प्रोडक्ट प्लान फोकस कीजिएगा ये दो चीज अगर आपने मजबूत बना ली तो प्रोडक्ट सेलिंग में दिक्कत नहीं होगी सो so, आज के लिए सिर्फ इतना ही ये पहला पहला सेल्स प्रोसेस का पहला स्टेप है नो द प्रोडक्ट एंड प्लान जिसने भी आपको मना किया आपके पड़ोसी आपके रिश्तेदार आपके चाचा आपके मामा आपकी बहन आपका भाई प्रैक्टिस करिएगा शो द प्लान जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे प्लान बताने में उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है राइट और वेस्टीज का आपको बताइए बारी सर ये कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है राइट सो प्लानिंग प्रिपरेशन, प्रैक्टिस तीनों चीज बहुत जरूरी है वेस्टीज में क्योंकि हम आगे बात करेंगे तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही राइट टेस्टिमोनियल्स बनाइए सर सिर्फ हेल्थ केयर का ही टेस्टिमोनियल्स नहीं होता है ब्यूटी का भी नहीं होता है बाकी चीजों का भी बनाइए अल्ट्रा अल्ट्रास्वैप भी किसी को दिया होगा तो पूछिए कि पहले आप फिनाइल इस्तेमाल कर रहे थे और अभी आपने अल्ट्रा इस्तेमाल किया है तो क्या रिजल्ट आया है क्या महसूस किया है आपने राइट right? तो ये छोटे से छोटे प्रोडक्ट का भी रिजल्ट काम आ सकता है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए भी काम आता है आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बहुत बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ प्रोडक्ट अगर हमने नहीं इस्तेमाल किया हो लेकिन अगर हमने वो कस्टमर को शेयर किया और कस्टमर जब फीडबैक देता तो है अरे क्या बढ़िया प्रोडक्ट उसके बाद मैंने देखा है कि उसके बाद हमने खरीदा है <laughs> ऐसा भी बहुत बार हुआ है सो so, आज के लिए फिलहाल इतना ही ये अंधविश्वास जो सेलिंग को लेकर है इसको हटा दीजिए ये दो आई होप सो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो राइट right? हर कोई सेलिंग कर सकता है ये बहुत सिंपल है जो कि आग, आगे के सेल्स प्रोसेस में देखेंगे आई होप सो ये सारी चीज़ें भी आपने देख ली हो अप्रिश सेलिंग इन्वॉल्वस एंड उसी के साथ रसिका मैडम थैंक यू सो मच मेरी एक साढ़े आठ की एक कैब है और थोड़ा सा मैं अभी ब्रेकफास्ट करने जा ही रहा हूँ नीचे तो मैं इजाजत चाहूंगा कि मैम मैं, मैं एग्जिट हो जाऊँ तो चलेगा आपको यस सचिन यस सचिन जी थैंक यू थैंक यू सो मच अमेजिंग आज का ट्रेनिंग जो स्टार्ट हुआ है सेलिंग स्केल के ऊपर बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग आज का रहा है uh, चलेगा कोई बात नहीं आप एग्जिट हो सकते हैं कल सेम टाइम सचिन सर प्लान करेंगे यस मैम कल सेम टाइम सेवन ओ क्लॉक एम आगे काम कंटिन्यू yes, करेंगे मैं सभी हमारे वेस्टिजियन को बताना चाहूंगी कि आगे का ट्रेनिंग जो हम कंडक्ट करने वाले हैं सेम टाइम कल का रहेगा सात बजे शाप शुरू होगा राइट right? तो सेम आप यही इसी टाइम पे आ जाइए इसी लिंक पे आ जाइए कल आपको कोई नया लिंक नहीं मिलेगा इसी लिंक पे आपको एंटर होना है राइट right? एंड uh, आज का ट्रेनिंग कैसा लगा आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा मुझे पर्सनली शेयर कीजिएगा कि आज का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा राइट बहुत सारा नॉलेज मिला आज ट्रेनिंग के बारे में सेल्स के बारे में और स्किल्स के बारे में थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच मैम थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर ग्रेट ग्रेट नॉलेज गुड नॉलेज यस यस तो चलिए कल हमारी जितनी भी टीम ने मिस किया है ये ट्रेनिंग कल का ट्रेनिंग उनको इनवाइट करते हैं कि कोई इससे ना छूटे मतलब बहुत सारी चीजें माइंड में होती है सेल के बारे में कि जो गलत माइंडसेट हुआ होता है राइट तो बहुत सारी टीम को आज इनवाइट कीजिएगा कम से कम दस कॉल कीजिएगा इस ट्रेनिंग को आगे का जो ट्रेनिंग है मतलब कल का जो ट्रेनिंग होने वाला है वो हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा लीडर्स यहाँ पे इंटर हो राइट एंड सेल का तीन दिन का जो वर्कशॉप है अभी हमारा जो चल रहा है शायद ये तीन दिन कंटिन्यू होगा तो कल आप जरूर आपकी सारी टीम को बुलाइए यहाँ पे एक जबरदस्त ट्रेनिंग जो नया लॉन्च किया है अभी वो हम यहाँ पे करने वाले शाम सात बजे नहीं दीपा जी सुबह सात बजे मॉर्निंग सात सेवन टू एट हम करते हैं ये ट्वेंटी डेज का सेशन अभी चल रहा है एंड इसका अभी फिफ्थ डे है राइट तो अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग सेम लिंक पे होगा तो आप सारी टीम को यहाँ पे इनवाइट कीजिएगा यस थैंक यू थैंक यू सो मच एवरी वन थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल आज का दिन बहुत एंजॉय कीजिएगा कल कंसिस्टेंसी ओवर हुई है कुछ भी फिर भी छूटा है तो अपलाइन के अपलाइन के कॉन्टेक्ट में रहिएगा अपलाइन को yes. कॉन्टेक्ट करके वो सारी चीजें कंप्लीट करवा लीजिएगा राइट एंड आज का पीवी टारगेट ले लीजिएगा डेली पीवी टारगेट लेना जरूरी है डेली पीवी टारगेट पे काम करेंगे एंड ट्वेंटी फोर्थ का हमारा जो इवेंट है वॉरियर uh, ग्रेविटी का हमारा जो इवेंट है तो वो इवेंट जो ट्वेंटी uh, फोर्थ को होने जा रहा है उसके टिकट के लिंक आपके पास आ चुके होंगे ऑनलाइन बुकिंग करना है आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो आपके टीम के साथ आपका जो एंट्री uh, करना है और ग्रेट न्यूज इज लीजन के लिए ये फ्री है तो लीजन फटाफट अपनी टिकट कलेक्ट कीजिएगा क्योंकि आपको जैसे पता है कि हमेशा बड़ा इवेंट जो होता है तुरंत फुल हो जाता है राइट तो जैसे ही ये टिकट अभी ओपन कल हुई है ऑनलाइन टिकट्स तो तुरंत ही फुल हो जाएगी आपके शायद एंट्री करने तक ना बचे ऐसा भी हो सकता है तो थोड़ा सा और सबसे जरूरी बात क्या है कि टिकट हम कितना कितनी देर से लेंगे इससे ज्यादा क्या है कि ये जो टिकेट है, कोई भी बिजनेस बनता है ना मतलब हम अगर डायरेक्ट सेलिंग में है अगर हम यहाँ पे नेटवर्किंग में है तो कोई भी इवेंट के साथ ही बिजनेस बढ़ता है राइट जितने लोग आपके इवेंट में होंगे जितने लोग हॉल में होंगे उतने ही बिजनेस में होंगे राइट बाकी सारे जो होंगे ना बस परचेस हो सकते हैं लेकिन आपको अगर लीडर चाहिए या लीडर आपको डेवलप करना है आपकी टीम में तो इवेंट के बगैर कोई भी अलग रास्ता नहीं है मैं खुद इवेंट से डेवलप हुई हूँ मैंने जब जब से शुरुआत की है वेस्टिज की आज तक मैंने कोई भी इवेंट मिस नहीं किया है मतलब नॉट अ सिंगल इवेंट घर में कुछ भी दिक्कत हो तो भी मैं हर इवेंट मीटिंग अटेंड करती हूँ क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है राइट अगर गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल की जरूरत पड़ती है मोबाइल शुरू रखना है तो चार्जिंग की जरूरत पड़ती है राइट यस yes, ऐसे ही हमारे ये इवेंट है ये हमारा चार्जिंग है अगर थोड़ा सा डाउन हो जाए कोई इवेंट में बैठ लीजिएगा अपने आप चार्ज हो जाओगे राइट तो ये चार्जिंग है ये जरूरत है हमारी ये बिजनेस के लिए अगर हम चाहते हैं कि पैसा कमाए तो पैसा कमाओ या फिर आप पॉजिटिव रहो या फिर आप बहुत अच्छे से काम करो दिन में पी भी लाओ दिन में चेक कैसे बढ़ेगा सोचो ये बताने वाला इस मीटिंग के अलावा बाहर रास्ते पे आपको कोई नहीं मिलेगा राइट right. तो आपको मीटिंग के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है मोटिवेट रहने का और मीटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है नई चीजें सीखने के लिए राइट right? ये बाहर नहीं मिलेगी सीखने जो हम वेस्ट चीज के बारे में सीखना सुनना चाहते हैं ना ये यहीं पे सीखना पड़ेगा हमें राइट सो इवेंट बहुत ट्रांसफॉर्म करते हैं अः के लिए टिकट लीजन को टिकट मिलेगा मैम लीजन के लिए टिकट फ्री रहेगा राइट right? तो चलिए हम कल की मीटिंग में सेम टाइम मिलते हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मैम एक सवाल था मेरा मैम मैं रामोली शर्मा सूरत से मैं लिजेंट क्वालिफाई कर चुका हूँ मार्च महीने में तो मुझे टिकट लेना अनिवार्य